दिल्ली पुलिस ने रईस जादे पार्थ वाडिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। राजधानी के कई इलाके में पोस्टर्स लगाए गए हैं और तो और पकड़वाने वाले के लिए बकायदा 20,000 का इनाम रखा गया है। तो आप भी इस भगोड़े को देखिए और पकड़ने में पुलिस की मदद कीजिए। वांटेड वांटेड वांटेड, पहचान लीजिए इस तस्वीर को, कहीं दिख जाए तो आप भी दिल्ली पुलिस पर मेहरबानी दिखा सकते हैं। इस मेहरबानी के लिए दिल्ली पुलिस बकायदा 20,000 रुपए देगी। दिल्ली के सभी पॉश इलाकों में इस शख्स की तस्वीर लगी है। इस शख्स का नाम पार्थ वाडिया है, जो दिल्ली का रईस ज्यादा है। इसके दादा बहुत बड़े कारोबारी हैं। अब इसकी करतूत भी जान लीजिए। पहले इसने साउथ दिल्ली के एक पब में हंगामा किया, मामला पुलिस तक पहुंचा तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट चला गया और जब कोर्ट से मायूसी मिली तो फरार हो गया। 27 जून 2014 पब के बाहर बवाल, हवा में लहराती पिस्तौल, जमीन पर घसीट घसीट कर पिटाई। 27 जून की रात को दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल पब के बाहर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें यहां हुए बवाल की गवाही दे रही हैं। पुलिस ने बेशक इस सिलसिले में अब तक दोनों तरफ से तकरीबन 15 लोगों को गिरफ्तार किया हो, लेकिन मामले का मुख्य मुलजिम यानी पार्थ वाडिया अब भी पुलिस और कानून के शिकंजे से बाहर है। वाडिया ने पहले कोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया। जब गुरुवार को अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो गई तो कोर्ट से ही पार्थ वाडिया फरार हो गया। मजाक तो देखिए, फरारी के बाद भी पार्थ के वकील कानून का साथ देने की बात कर रहे थे। दोनों पार्टीज का आपस में सहमति से बिना किसी प्रेशर के कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और 307 इसमें बनती नहीं है, 323 बनती मैक्सिमम और 341 बोथ बेलेबल ऑफेंस हैं। और जब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो इस बात को प्रेसिपिटेट करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इंटरिम बेल दी है इनको, इन्वेस्टिगेशन ये ज्वाइन कर चुके हैं, किसी भी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। हैरानी तो यह है कि इस मामले में पुलिस का रवैया भी सीसीटीवी की तस्वीर से मैच नहीं करता। पब हंगामे पर दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई थी, लेकिन कमाल की बात यह रही कि वाडिया और उनके जिन साथियों ने इस पब पर धावा बोला था, पुलिस ने पहली एफआईआर भी उन्हीं के हक में दर्ज की। और तो और, पुलिस की काहली कोर्ट में भी दिखी जब पार्थ वाडिया उनके सामने से गायब हो गया। अब पुलिस तस्वीर जारी कर दिल्ली, यूपी और हरियाणा की खाक छानने की बात कर रही है। दिल्ली से अमरदीप के साथ आज तक ब्यूरो।